आप लोग बैठे हैं, क्या मांगों को लेकर के सरकार से आप रखना चाहते हैं? देखिए बिहार में जो ITI जो कोर्सेज चल रहे हैं और ITI कोर्सेज में जाना जो विगत जाना एक सालों से डेढ़ सालों से जो परेशानी आ रही है परीक्षा की, पहले ये एग्जामिनेशन जाना ऑफलाइन होता था, सरकार ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को जाना। दोनों संगठन जाना, यहाँ दो संगठन है, ITI क्लब ऑफ इंडिया है और जाना बिहार प्राइवेट ITI एसोसिएशन है, दोनों संगठन ने हम मिल कर जाना ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और दोनों संगठन का संयुक्त जाना मांग है और हम लोगों ने शुरू से ही प्रयासरत किया इसको कि इसको व्यवस्थित किया जाए। ये लगातार असफल हो रहा है। सेंटर जो है ना यहाँ से जो है ना 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, लड़कों को परेशानी हो रही है, गार्जियन को परेशानी हो रही है, हद तो तब हो गई है ना जब वो लड़का सेंटर पे पहुँचता है तो पता चलता है कि एग्जामिनेशन नहीं है, रद्द हो गया। एडमिट कार्ड जो है ना 10 घंटा 8 घंटा पहले जो है ना निर्गत हो रहा है, जबकि सरकार का वादा है कि साहब ये हम जो है ना कम से कम 5 दिन पहले देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। एग्जामिनेशन जो हो रही है बिल्कुल अव्यवस्थित है, असफल है। बार बार हम लोगों ने जाना करीब जाना एक साल से हम लोग प्रयास करते हैं और कॉपरेशन सरकार से कर रहे हैं, राज्य सरकार को भी और भारत सरकार को भी, चूँकि राज्य सरकार जो है ना भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार के स्कीमों को लागू करना राज्य सरकार का जो है की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि एजुकेशन कंफ्रेंस लिस्ट में है और भारत सरकार की एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के रूप में राज्य सरकार काम करती है। राज्य सरकार से भी हम लोग संपर्क में रहे और भारत सरकार के भी संपर्क में बार-बार बने रहे और जो कॉपरेशन हो सकता था हर संभव सारी परेशानी के बावजूद भी हम लोगों ने कॉपरेट किया हर तरह से, लेकिन सुधार का कोई जाना संभावना नज़र नहीं आई। थक हार के हम लोगों ने जाना धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और यही नहीं हो रहा है, ये बिहारी में नहीं हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में जाना ये प्रॉब्लम चल रहा है। पहले एग्जामिनेशन बिहार सरकार कराती थी तो उसको भारत सरकार ने जाना दे दिया एक थर्ड पार्टी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम से कंपनी है उसको दे दिया, उसको सेंटर ही नहीं मिल रहा है और एग्जामिनेशन जाना सिर्फ 2 पेपर के एग्जामिनेशन विगत जो है ना 10 महीने से चल रहे हैं, जबकि यही 2 पेपर का एग्जामिनेशन जो है ना सिर्फ 2 दिन में मैक्सिमम समाप्त हो जाता था ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में एक ही साथ 2 दिन में ये परीक्षा समाप्त हो जाती थी, वो 10 जो है ना महीना से जारी है और 50% बच्चा ही अब तक एग्जाम हो सकता है लिया है और 50% बच्चों का एग्जामिनेशन अभी भी जाना बाकी है। कोई प्लान नहीं है, कोई यहाँ वो नहीं है इनका है कि कब एग्जामिनेशन ख़त्म होगा, अब जो चल रहा है 10 महीना से हो गया, अगला कितना दिन चलेगा हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप एक बता दीजिए कब एग्जामिनेशन ख़त्म होगा, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। एग्जामिनेशन में ये परेशानियां जो है ना लड़के झेल रहे हैं, आए दिन लड़कों का एक्सीडेंट भी हो रहा है, सुबह सेंटर 8 बजे से है 8:30 बजे से, कहा जाता है कि 1 घंटा पहले एंट्री है, लड़के जाना 70-80 किलोमीटर दूर जब चलते हैं जाना तो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका एग्जामिनेशन रद्द है, किसी का पोर्टल ही कंप्यूटर ही नहीं खुलता है, आधा अधूरा खुलता है, ज़बरदस्ती दस्तखत करा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारा हो गया, जब रिजल्ट आएगा जो है ना तो या तो वो एब्सेंट रहेगा या वो प्रेजेंट रहेगा तो फेल रहेगा वो। ये परेशानियां हैं एग्जामिनेशन लेने की। दूसरी परेशानियां हैं जो पहले जो है ना साल भर पहले जो रिजल्ट हुआ एग्जामिनेशन हुआ है, नवम्बर में जो एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो है ना मार्च में एग्जामिनेशन हुआ है, किसी के इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का पोलिटिकल का एग्जामिनेशन हुआ, किसी का रिजल्ट अब तक घोषणा नहीं दिया गया, न प्रैक्टिकल का रिजल्ट आया न इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिजल्ट आया, सब लटका हुआ है। जिसके रिजल्ट आ गए पिछले एक सालों में जो पहले जाना 2017-19 का 16-18 का जो 15-17 का रिजल्ट आए हैं उसमें भी लड़के लटके हुए हैं, 5 साल से लड़के ITI में लटके हुए हैं जाना पास होने का नाम नहीं। ओके, तो सर सरकार से आपकी मांगी क्या है? सरकार किस तरह से एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं सरकार? सरकार से मेरी मांग है कि जब तक जो है ना ये आप इस लायक नहीं हो जाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक आप CBC पैटर्न पर जब तक आप एक बोर्ड का गठन नहीं कर लेते हैं तब तक आप एग्जामिनेशन जाना ऑफलाइन लीजिए। अभी 50% जो बच्चे बच गए हैं उसका एग्जामिनेशन भी आप ऑफलाइन लीजिए और आगे जो बच्चे आने वाले हैं उसका एग्जामिनेशन भी आप ऑफलाइन लेकर जाना, बच्चों का करियर को बचाइए। बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत जो है ना गार्जियन परेशान है, सारे संचालक परेशान हैं, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि सारा एग्जामिनेशन जो है वो ये आप अभी ऑफलाइन लीजिए, जैसे पहले लिया जाता था 2 दिन का पेपर 2 दिन में समाप्त हो जाता था, 2 दिन में लेकर इसको समाप्त कीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अखलाक अहमद है, मैं महासचिव ITI क्लब ऑफ इंडिया करके यहाँ पर बैठा गया है सर। हम लोग आज
एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। इसमें हमारी प्रमुख तीन मांग है। पहली मांग है कि सुव्यवस्थित परीक्षा का संचालन, दूसरी है कि परीक्षा फल का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन, और तीसरी मांग है कि हमारा जो अस्थाई मान्यता प्राप्त आईटीआई है उसे जबरदस्ती नेट ट्रेड का भी नेट ट्रेड को थोपना और साथ साथ उसका नवीनीकरण की व्यवस्था का जो आदेश अस्थाई मान्यता प्राप्त आईटीआई के संदर्भ में दिया गया है इसको वापस कराना। दिसंबर 20 से परीक्षाएं हो रही हैं। पहले ओएमआर पद्धति पर बहुवैकल्पिक परीक्षाएं होती थी, अब उसके स्थान पर सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि परीक्षाएं सुगम हो, सरल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर से लेकर के अभी तक 10 महीने तक परीक्षाएं हुई हैं और 23-24 लाख लड़के पूरे भारत में हैं, उनमें से केवल 5 लाख लड़कों की परीक्षाएं संपन्न हो पाई, जबकि यह परीक्षा केवल 2 दिनों में होती थी। और परीक्षा फल का प्रकाशन जब किया जाता था तो उसमें 1 या 2% त्रुटि होती थी। आज जो बिहार सरकार ड्राइंग की परीक्षाएं और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं लेती है, जिसका केंद्र उसके अपने ही सेल्फ सेंटर होता है, और उसका जो अंक बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया गया वो परीक्षा फल में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। परीक्षा फल की त्रुटि तो ऐसी है कि लड़के पास कर जा रहे हैं और दोबारे फिर परीक्षा फल जब देखा जा रहा है तो वह फेल है, उसको परीक्षा में दोबारे बैठना पड़ रहा है। तो परीक्षा फल त्रुटिपूर्ण जो प्रकाशन हो रहा है उसको त्रुटि रहित किया जाए, त्रुटि तो उसका त्रुटि दूर किया जाए, और जब तक आपकी आधारभूत संरचनाएं विकसित नहीं होती कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, तब तक पहले वाली जो वैकल्पिक व्यवस्था था वो ओएमआर पद्धति के आधार पर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती थी, वो परीक्षा ली। तीसरी बात है कि पूरे भारत में ये कोरोना वैश्विक संकट के दौरान सभी जगह जो पारंपरिक परीक्षा है उसके बदले में कसौटी परीक्षण की अन्य कसौटी, उसके आंतरिक मूल्यांकन या पहले के रिजल्ट के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा पर प्रकाशित किया गया, चाहे राज्य का बोर्ड हो, केंद्र का बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह बिना परीक्षा लिए इस कोरोना महामारी में और उसके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अन्य कसौटी के आधार पर परीक्षा पर प्रकाशित किया गया। हम लोगों ने भारत सरकार से मांग किया था, बिहार सरकार से मांग किया था ऐसा किया जाए, लेकिन पूरे विश्व में लगता है जो स्किलफुल जो कौशलपूर्ण मजदूर बनना है उसका ऐसा परीक्षा हो जैसे मानो पूरे भारत का प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी कंधे पर जाना है, और यह जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं हम इनकी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से लेंगे, और आधारभूत संरचनाओं का विकास हो नहीं पा रहा है। 10 महीने से लड़के परेशान हैं, जब सत्र समाप्त हो जाता है, सत्र समाप्त होने के बाद लड़के परीक्षा के लिए एक महीने तक मानसिक रूप से तैयार होते हैं, लेकिन जो जिनका सत्र समाप्त हो गया है उसके 10 महीने बाद तक परीक्षाएं चलती रहेगी, क्या वह परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और यह व्यवस्था पर सरकार की आँख खोलने के लिए हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, मिला भी, धरना भी दिया, उनके यहाँ कई मेमोरेंडम दिए, लेकिन क्या मंशा है इसके पीछे? कोई कमाई करने की योजना है क्या? कोई दूसरे कंपनियों के माध्यम से कुछ बटोरने की योजना है? लड़कों को परेशान करने की योजना है? आप सबको मालूम है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था केवल यहाँ के श्रमिकों के माध्यम से चलता है, जो विदेशों में जाके काम करते हैं, वह सब केवल प्रशिक्षण प्राप्त, जो आईटीआई हमारे यहाँ जो औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग जो हैं, जो दोनों हाथ कौशल करके विश्व के कोने कोने में जा करके मजदूरी करते हैं, उनसे जो धन संग्रह होता है उससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, चाहे वह विदेश से तकनीक खरीदना हो या विदेश से ज्ञान खरीदना हो, उसी के आधार पर होता है। भारत ऐसा विकसित देश नहीं है, औद्योगिक विकसित देश नहीं है जो अपने उत्पादित वस्तुओं को विश्व में के बाजार में बेचता है। उसके बावजूद भी जहां प्रशिक्षण देने में आईटीआई इस कोरोना महामारी के बाप विपरीत आर्थिक संकट के विपरीत लगा हुआ है, वहां उसके छात्रों को परीक्षा और परीक्षा फल का प्रकाशन करने की जिम्मेदारी भारत सरकार और बिहार सरकार की है। इस जिम्मेदारी के लापरवाहीपूर्ण संचालन से
पूरे भारत के गरीब छात्र, ग्रामीण छात्र परेशान हो रहे हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए आज भारत सरकार और बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना का आयोजन किए हैं। इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार से कि परीक्षा की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, परीक्षा फल का प्रकाशन समय से और त्रुटि रहित किया जाए, और तीसरी जो अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त है ITI उसको परेशान नहीं किया जाए। पूरे भारत में आर्थिक संकट के कारण ITI में नामांकन नहीं हो पा रहा है, वहाँ वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार से कोई योजना, सरकारी योजनाओं से कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद अब एक नई आदेश हुई है कि ITI के आधारभूत संरचनाओं के साथ छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों के मापदंड के अनुसार उनकी उपस्थिति का जांच किया जा रहा है। यह जांच नहीं है, यह भयदोहन है, यह ITI को सताने का एक संयंत्र चल रहा है। इस बिहार सरकार ने जो प्राइवेट ITI की जांच का आदेश निकाला है, हम मांग करते हैं पहले आप सरकारी ITI की जांच कीजिए और उसे दिशा निर्देश दीजिए, फिर प्राइवेट ITI की ओर आगे बढ़िएगा। और आप जब परीक्षा का आयोजन करते हैं तो सभी ITI के आधारभूत संरचनाओं की जांच करते हैं। अभी पिछले एक वर्ष में 3 बार ITI की जांच हुई है, और जांच के दौरान यदि कोई किसी ITI में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, उनका एक सूची बनाइए और उसको 3 महीने का आदेश दीजिए कि 3 महीने के अंदर में आप अपने आधारभूत संरचनाओं का विकास कीजिए, उसके बाद उसकी जांच कराइए। लेकिन जिन ITI का जांच वर्ष में 3 बार करा चुके हैं और फिर भयदोहन के लिए किसी दूसरे उद्देश्य के लिए दोबारा ITI की जांच का जो आदेश निकाले हैं इसको वापस लीजिए। यदि वापस नहीं लेते हैं तो हम सड़क से संसद तक इसकी आवाज़ उठाएंगे और सरकारी कार्यों का निष्पादन में हम सहयोग नहीं करेंगे। यही हमारी मांग आज इस धरना के माध्यम से होगी। क्या नाम हुआ? राजेश प्रताप सिंह। शॉर्ट में ही सर, शॉर्ट। ठीक ठीक ठीक। नहीं, सब आदमी आते हैं।